नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों झारखंड में हेमंत सोरेन को विपक्ष घेरने में लगी हुई थी, लेकिन अब हेमंत सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ भी बहुत बड़ी घेराबंदी कर दी है। एसीबी अपनी जांच आज से शुरू कर दिया, जिसमें ट्रॉफी घोटाला से लेकर गेम तक में जो घोटाला हुआ है उस पर जांच किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मनरेगा घोटाले में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनसे ज्यादा संपत्ति तो उनके सहयोगियों के पास है और हर किसी उन अधिकारियों के पास है जो इस पूरे प्रकरण में जुड़े हुए थे। इस पर आज विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला रिजर्व रखा है उसके क्या मायने होंगे और लोग अपने अपने नफा और नुकसान के हिसाब से क्या सोच रहे हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे जेपीएससी इंटरव्यू में। जो लोग मॉक हमारे साथ जो लोग पैनल में दिए उन तमाम लोगों की वीडियो सुरक्षित है, एक भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाला गया है। और हमारी एक प्रोटोकॉल होती है कि जब आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है उस वक्त वीडियो नहीं डाला जाए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स का अंतिम जो है 14, 15 और 16 को जो इंटरव्यू है उसमें जो लोग चाहते हैं कि वो मॉक में अब डायरेक्ट ऑनलाइन कर लेंगे हमारे साथ, क्योंकि हमारे जो टीम थी वो पटना शिफ्ट हो गए हैं, तो आप अब ऑनलाइन कर सकते हैं इस वक्त में, जिसमें आपको वही सारे सवाल बताए जाएंगे जो वहां पूछा जा रहा है। और आपके पर्सनल व्यक्तित्व से कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, आपके एजुकेशन से, आपका हॉबी से, और आपका जो काम कर रहे हैं, जो नौकरी में आप हैं, उससे कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, और तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी कि आप पहले जो पुलिस सेवा है उसे क्यों चुने, ये प्रशासनिक सेवा को आपने क्यों चुना है। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई पूरी हो गई थी। कल हमने वीडियो दो वीडियो आपको बताया था। और अब टीजीटी में स्टेट लिस्ट बनेगा ये तैयार हो गया है और कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा ये भी तैयार है। ऐसे में संशय उन स्टूडेंट्स को लग रहा है जो डिस्ट्रिक्ट आधार पर जिनकी सिलेक्शन हुई थी, क्या उनकी नौकरी खतरे में है। हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइन की यहाँ पर बात करेंगे और हमें नहीं लगता है कि उनकी नौकरी खतरे में होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि छठी जेपीएससी मामले में जब 62 अधिकारियों को झारखंड की सरकार ने हटा दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग नौकरी में उन्हें आप नहीं हटा सकते उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का विचार करना चाहिए। हालांकि सुनवाई 20 जुलाई को होगी, लेकिन उसके पहले ही सरकार अपने आला अधिकारियों के साथ और विधि विभाग के साथ बातचीत शुरू कर दी है कि क्या इन लोगों को नौकरी में रखा जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जेपीएससी को अगर किसी को निकाल देती है वो, तो ये एक प्रश्न खड़ा होगा कि जो लोग नौकरी छोड़ करके जेपीएससी में शामिल हो रहे हैं वैसे कैंडिडेट को अब वो क्या करेंगे, क्योंकि वो पुरानी नौकरी को छोड़ चुके हैं गवर्नमेंट की और नई नौकरी से उनको निकाला जाएगा, तो बहुत दुविधा वाली बात हो जाएगी। इसलिए हमारे समझ से टीजीटी के अभ्यर्थी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन में आए थे मेरिट में, वो सेफ नजर आते, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दें कि झारखंड में इस समय चुनाव तो पंचायत वाला चल रहा है लेकिन सरगर्मी सब जगह पर तेज है। जेएसएससी से जुड़े हुए बहुत बड़ा संख्या में स्टूडेंट ग्रामीण क्षेत्र में जाकर ये प्रचार कर रहे हैं कि सरकार से कुछ भी नहीं होगा और ये सरकार ने युवाओं को धोखे में रखा है, क्योंकि जेएसएससी के कई एग्जाम इस समय में लटक गए हैं। लेकिन एग्जाम 20 जुलाई के पहले होने की जो संभावनाएं हैं वो समझ लीजिए, अगर सरकार इसी बीच में जो उनकी पॉलिसी है जिसे लेकर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था, हिंदी को क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर लिया जाता है और इसके साथ साथ हिंदी के साथ साथ अगर वहां ये भी देखा जाए कि सर्टिफिकेट वाली जो पॉलिसी थी कि 10th और प्लस 2 झारखंड से ही होना चाहिए, अगर इसे भी दोनों चीज को स्वीकृति जो है वो झारखंड सरकार ने जो लिया था उसमें चेंजिंग करते हुए 10th प्लस 2 कहीं से भी हो इसको अगर स्वीकृति मिल जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने पूछा कि एक ही स्थान पर दो प्रकार का रिजर्वेशन कैसे हो सकता है और समानता के अधिकार का उल्लंघन आप कैसे कर सकते हैं और हिंदी को शामिल कर लें, तो हमें लगता है कि परीक्षा तेजी से आगे बढ़ जाएगी। और अगर सरकार इंतजार करती रहेगी जवाब देने का तो 20 जुलाई को जवाब ही दाखिल होगा, तो ऐसे में अगस्त सितंबर तक परीक्षा की डेट चली जाएगी जेएसएससी सीजीएल का। हिंदी के शामिल होने से जेएसएससी सीजीएल में तैयारी कर रहे लाखों छात्र छात्राओं को फायदा होगा जो जबरन दूसरे विषय को पढ़ने के लिए बाध्य है, तो उनको एक मौका मिलेगा कि वो चलो हिंदी को पढ़ते हैं, दूसरा विषय को एडिट भी वो कर सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव परीक्षा है पूरी, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि किस विषय में ज्यादा नंबर आएगा किस विषय में कम नंबर आएगा। सवाल अब ये उठता है कि क्या झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी सिर्फ चलती रहेगी, राज्यसभा का चुनाव भी होने वाला है, क्या ऐसे में ही पूरी घेराबंदी की जा रही है, क्या रघुवर दास के ऊपर शिकंजा कस के उन्हें भी अयोग्य करार, मतलब अगर जेल की सजा हो जाती है तो ऐसे में वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होगी अगर झारखंड में ये लागू हो जाता है तो, क्योंकि जांच चल रहा है। रघुवर दास भी ताबड़तोड़ खुलासे कर रहे हैं, कल उन्होंने एक जो है सेमिनार किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि कल्पना सोरेन के नाम पर दो दो डीडी गा रहे हैं का, जो गलत है और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पूजा सिंघल ने साफ तौर पर कह दिया है कि सिर्फ मेरे पास इतने पैसे हैं, ये बात सही नहीं है, ऐसे तो हर अधिकारी के पास है, जांच होनी चाहिए, हर मंत्री के पास है उसकी भी जांच होनी चाहिए। सब मिला करके झारखंड में आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, ऐसे में युवाओं की जो नौकरी वाली डिमांड थी वो पीछे हट गई। पहले भी आवाज उठाया था इस पर कि भाषा पर जितना बड़ा आंदोलन दिखा, रोजगार पर कभी नहीं दिखा झारखंड पर। और इसके साथ साथ अब जितना अच्छा मीडिया कवरेज पूजा सिंघल को मिल रहा है उतना रोजगार वाले किसी मुद्दे पर नहीं मिला। आपने देखा होगा रांची की सड़कों पर बहुत दिनों तक कई लोगों ने आंदोलन किया, जेपीएससी से लेकर जेएसएससी वाले लोग, लेकिन मीडिया कवरेज के नाम पर इक्का दुक्का यूट्यूब चैनल जिनका अपना अपना है वो उसमें चलाते थे। जिस प्रकार का मीडिया कवरेज घोटाला को मिलता है वो रोजगार की चीजों को नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसी मीडिया कवरेज बेरोजगारी वाली खबर को मिलती तो हमें लगता है कि झारखंड में सीन कुछ और होता और मुख्यमंत्री पर चौथरपा दबाव पड़ जाता। चलिए, लेकिन जनता जो चीज को देखना चाहती है मीडिया वही दिखाती है, अखबार में वही न्यूज छपता है, और ऐसे में शिक्षक भर्ती नियमावली क्लियर हो चुका है, अब कोई दुविधा नहीं है। इसलिए सबसे पहला शिक्षक भर्ती ही की शुरुआत होने वाली है, पंचायत चुनाव के बाद हो सकता है इसका अनाउंसमेंट हो जाए। तो आप तैयारी करते रहिए, रांची में भी हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं जेपीएससी की तैयारी और अन्य तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जेपीएससी सहित की तैयारी आप जमशेदपुर में भी कर सकते हैं, रांची में जेपी